जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, नया संसद भवन बनके तैयार हो चुका है, उसका उद्घाटन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन करने वाले हैं और ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है। अब उसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, बहिष्कार की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगती है, कोई सुझाव देता है कि राष्ट्रपति के द्वारा उसका उद्घाटन होना चाहिए। ऐसी तमाम बातें आप सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है यह आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि गुरु चांडाल योग का प्रभाव है, अच्छे अच्छे लोगों की मति भ्रम होगी और मति भ्रम के कारण से लोग ऐसे वक्तव्य भी देंगे जिसको सुनकर पढ़कर आपको लगेगा कि इन लोगों को क्या हो गया है। संसद भवन का उद्घाटन होता है, ये किसका ड्रीम प्रोजेक्ट है? क्या राष्ट्रपति का ड्रीम प्रोजेक्ट था या प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था? जिस ड्रीम प्रोजेक्ट को उन्होंने लॉन्च किया था, उसको रोकने के लिए क्या क्या नहीं किया गया, इवन कि कोरोना काल के अंदर भी उसके काम को रोकने के लिए पूरे प्रयास किए गए, हर तरह का वो तरीका अपनाया गया जिससे ये काम बीच में रुक जाए। पर्यावरण की दुहाई देकर के याचिकाएं लगी, लेकिन ये सारे के सारे हर्डल्स दूर होती गई। तो फिर अशोक स्तंभ को लेकर के भी याचिका दायर हुई थी, ये भी आपको पता होगा। यानी ऐसा नहीं है कि संसद भवन को लेकर के, नए संसद भवन को लेकर पहली बार इस तरह की बात हो रही है। न जाने क्यों कुछ लोगों को ये संसद भवन हजम नहीं हो रहा, और उसके पीछे कारण बहुत साधारण है। हर छोटे से छोटे व्यक्ति को भी यह समझ आएगा कि यदि एक बार संसद भवन बनके तैयार हुआ, उस पर शिलालेख लगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन, तो भारत के इतिहास के अंदर ये बहुत लंबे समय तक इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा और ये बात शायद विपक्ष को हजम नहीं होगी। ये यूं कह सकते हैं, जो सरकार के विरोध में है, विपक्ष है, उनको हजम नहीं होगी। और सत्ता पक्ष और विपक्ष का खेल तो हमेशा से चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन 27 मई को जैसे ही गुरु चांडाल योग का प्रभाव अपने पीक पर होगा, उसके पश्चात ये सारे विरोध धीरे धीरे करके खत्म भी हो जाएंगे। विपक्ष भी उद्घाटन में शामिल हो जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 27 तारीख के बाद 28 तारीख को इसका उद्घाटन है और 27 तारीख को इस गुरु चांडाल योग का पीक हो चुका होगा। इसीलिए 28 तारीख को सुबह उनकी बुद्धि ढंग से काम करने लगे और वो लोग संसद भवन में पहुंच जाए उद्घाटन के अंदर, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और 28 तारीख के बाद इस संसद भवन को लेकर के जितने भी विरोध पिछले सालों में होते रहे हैं, उन सबका दी एंड भी हो जाएगा, क्योंकि जो होना था वो तो अब हो चुका। अब लकीर पीटने से कुछ नहीं होने वाला है, इतिहास के पन्नों में तो जो लिखा जाना था वो लिखा जा चुका है। दर्शकों, जब भी परिस्थितियां विकट होती हैं तो इसी तरह का बर्ताव मनुष्य के द्वारा होता है, चाहे फिर वो कोई बड़ा राजनेता हो या एक साधारण मनुष्य हो। इसीलिए सारी परिस्थितियों का होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये घटनाएं जब मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, तो मुझे तो आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि मेरा पहले से ही अनुमान था कि 27 मई तक गुरु चांडाल योग के प्रभाव के कारण से लोगों के वक्तव्य कुछ इसी तरह के रहने वाले हैं, जहां हमें लगेगा कि इन समझदारों की बुद्धि को क्या हो गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब बहुत कम समय शेष रहा है। 28 तारीख से धीरे धीरे अब नया कोई विरोध या नई कोई बात सामने नहीं आएगी, बल्कि जो पुराने ऐसे मसले चले आ रहे हैं वो धीरे धीरे भी अब समाप्त हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर एक नया इवेंट और होगा 18 जून के बाद में, उसके संदर्भ में भी मैं आप लोग को वीडियो दूंगा। 18 से लेकर के, यानी 18 जून से लेकर 1 जुलाई का समय भी कुछ स्पेशल रहने वाला है, उसके संदर्भ में आपको वीडियो दूंगा। लेकिन हाल फिलहाल इतना समझिए कि 28 तारीख को संसद भवन के उद्घाटन के बाद में इसको लेकर के जो भी कयास हैं वो सब शांत पड़ जाएंगे और उसके बाद संसद अपने नई तरीके से काम करेगी और प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा भी हो जाएगा। ये हम सब भारतीयों के लिए गर्व की बात, क्योंकि हम यदि अपने संसद भवन की बात करें तो जिस संसद भवन में आज हम बैठते हैं वो ब्रिटिश शासन की देन है और हम पहली बार आजाद भारत की, स्वतंत्र भारत की
उस भवन के अंदर बैठ करके संसद को चलता हुआ देखेंगे जो भारतीयों ने अपने भविष्य को ध्यान में रख करके बनाई है। इसीलिए दर्शकों, जो संसद भवन को लेकर के जो आप ये चीज देख रहे हैं, ये अब ज्यादा समय इसका विरोध नहीं रहेगा, एक दो दिन के अंदर ये परिस्थितियां ठीक भी हो जाएंगी। और मेरा जहां तक अनुमान है 28 तारीख को कुछ विपक्षी दल भी इस उद्घाटन के अंदर जरूर पहुंचेंगे और उसके साथ ही गुरु चांडाल योग का अब तक का सबसे बड़ा प्रभाव, उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर कमी आप जरूर आता हुआ देखेंगे। ये मात्र एक संयोग है, गुरु चांडाल योग है तो प्रभाव तो उसका जरूर आता है। इसीलिए दर्शकों, ये वीडियो बनाना आपके लिए जरूरी भी था, क्योंकि बहुत से लोग देख रहे थे कि अरे ये क्या हो रहा है, सत्ता विपक्ष ये इस तरह से कैसे कर रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थितियों का असर है जो सब पर देखने को जरूर मिलेगा। और इस समय पर आप लोगों के जीवन के अंदर भी कुछ विचित्र घटनाएं पिछले 4-5 दिन से जरूर घट रही होंगी, और अभी 27 तारीख की तारीख के रात के 12 बजे के बाद उन परिस्थितियों के अंदर विराम जरूर लगेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।